हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक सबमर्सिबल पंप है जो आपका बिल्डिंग में, ये थर्ड फ्लोर का बिल्डिंग है और उसमें सबमर्सिबल पंप फिटिंग करना है सम्प टैंक में, और कितना एचपी का मोटर लेना है और कौन सी मोटर लेने से अच्छा होता है और उसको फिटिंग कैसे करते हैं, किस तरह फिटिंग करना करते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। चलिए, कौन सा मोटर आपको लेना है और वो मोटर का क्या क्या कैपेसिटी है और क्या रेट है, क्या सभी में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये सबमर्सिबल पंप है, 1 HP मोटर है ये कंपनी इसका शार्प पंप PVT लिमिटेड है और ये 1 HP मोटर है। इसका कैपेसिटी और प्राइस लिस्ट जो है, देखिए 13,000 MRP रेट 13,993 रुपया और इसको प्राइस डेट नेट प्राइस डेट 9,500 रुपीज़ ने मैंने इसको ख़रीदा हूँ। ये 1 HP सबमर्सिबल है और ये थर्ड फ्लोर तक फेंक सकता है पानी, इजी से पानी ऊपर जा सकता है, इसलिए उसको सम्प पे फिक्स करना है। और ये पॉइंट पंप है और ये सार्प कंपनी का पॉइंट पंप है। फ्रेंड्स, पहले फिटिंग करने से पहले आप देखिए, ये जो दो रिंग टाइप लगा हुआ है और इसको आपको हाथ से ऐसे घुमाना है, घुमा के इसको ओपन कर देना है। इधर एक है और इधर एक है, दो है, ये दोनों को आपने खोल देना है। खोल के इसका अंदर पानी भरना है। देखिए, मैं इसको खोल देता हूँ। ये जो इसका होल है, इसका अंदर पानी भरना पड़ेगा। जब आप दो इस तरफ का खोल दोगे, एक साइड में पानी भरे तो ऑटोमेटिक इस साइड में आना शुरू हो जाएगा। ये जो फुल होना है, सबमर्सिबल में पानी भरना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं भरोगे तो ये मोटर जल जाएगा, इसलिए पानी इसमें भरना है। जब यहाँ पानी निकलेगा, इसको ये भी रिंग को भी खोल देना है आपको। ये खोलने के बाद यहाँ से पानी निकलेगा, तब जाके फिर इसको टाइट कर देना है। और नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जो है आउटलेट का, ये सिर्फ 1 इंच है साइज का, 1 इंच साइज में ये जो होल है और इसमें आपको 1 इंच का के MA बिट, ब्रास MA बिट मैंने लिया हूँ। कभी भी मोटर लाइन में PVC का नहीं लगाना है, ब्रास का डालना है। इधर ब्रास का के MA बिट टेफलन टेप डाल के इसको फिटिंग कर देना है। ये ब्रास का कभी भी यहीं पे ब्रास डालना है, क्योंकि जो मोटर वाइब्रेट होता रहेगा तो उस टाइम में CPVC का डालोगे तो वो थ्रेड ख़राब हो जाएगा, इसलिए ब्रास का डालना है। और बाकी जो इनलेट है, ये पंप का इनलेट है, इसको खोलने के बाद है ये इसका जो जाली लगा है, जैसे बेंड पाइप है के। फ्रेंड्स, पाइप को लगाने का, जब इसका खोल के इसको टाइट करोगे, पाइप को ऊपर की तरफ रखना है, ऐसे रखना है, ये ऊपर की तरफ रखना है, साइड में मत रखो कि नीचे के मत रखो, क्योंकि सम्प में जब पानी खाली होता जाएगा, अगर आप नीचे की तरफ रखोगे तो पानी यहाँ तक खाली हो जाएगा, पंप का यहाँ तक खाली हो जाएगा, जिसके वजह से ये पानी में डूबा नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो मोटर चलता है थोड़ा हीटिंग होता है, जिसके वजह से अगर पानी में यहाँ तक डूबा रहा तो आपको कभी मोटर का प्रॉब्लम नहीं होगा, जलेगा नहीं। इसलिए आपको जब भी लगाना है तो ये बेंड पाइप को आपको नीचे की तरफ नहीं करना है, ऐसे ऊपर रखना है। ऐसे ऊपर रखने से पानी जब ये लेयर तक आ जाएगा, ये लेयर तक आ जाएगा, तो पानी ऑटोमेटिक मोटर बंद हो जाएगा। और इसीलिए अगर आप यहाँ तक रखोगे तब तक पूरा लास्ट तक पानी को खाली करता रहेगा। फ्रेंड्स, ये कभी भी सबमर्सिबल को ध्यान रखना है, ये बेंड पाइप को इसी तरह का फिटिंग करना है। फ्रेंड्स, ये उसका स्टार्टर है। फ्रेंड्स, ये स्टार्टर है, डिफ़ॉल्ट आता है, इसका आपको एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, पंप का साथ ही आता है स्टार्टर और ये बेंड पाइप, ये आता है आपको फिटिंग करने के लिए। आपको ये सभी CPVC का मैंने ये लिया हूँ। और ये कहाँ फिटिंग होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आपको पहले MA बिट लगाने के बाद फिर आपको ये जो 1 इंच का पाइप मैंने लिया हूँ, आशीर्वाद पाइप के है, ये 1 इंच है, आशीर्वाद का पाइप 1 इंच का लिया हूँ। और ये है सम्प टैंक, ये बोरियल का पॉइंट है। ऑलरेडी मैंने वीडियो कैसे डाला हूँ, कैसे कनेक्शन करते हैं, आई बटन में मैं वीडियो डाल दूँगा, देख सकते हैं। तो ये जो ये पानी इन होता है इसमें, ये दो पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट में से एक है CMC लाइन है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और ये मोटर लाइन है, इसमें हमको
फर्स्ट इसको कट करने के बाद यूनियन डालना है, उसके बाद एक बेंड डालना, उसके बाद मटर के साथ जाना, क्योंकि यूनियन यहाँ देना ज़रूरी है। अगर आपको कुछ मटर को खोलना है तो यूनियन खोल दिया तो ऑटोमेटिक आप पाइप मटर को उठा सकते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, कभी भी पंप ले सबमर्सिबल लेना है तो उसको थोड़ा सही तरह से फिटिंग करें तो मोटर लाइफ टाइम तक अच्छा चलता है, कुछ ख़राब नहीं होता। चलिए मैं कैसे फिटिंग करता हूँ इसको मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी ये पाइप को कट करके CPVC पेस्ट डाल के मैंने अभी MT को टाइट कर दिया हूँ। MT को टाइट होने के बाद CPVC पेस्ट डाल के मैंने इसको पाइप को पुश कर दिया हूँ, और इसको भी थोड़ा टेफलन टेप डाल के ये बेंड पाइप को मैंने टाइट कर दिया हूँ, ऊपर की तरफ रखा हूँ। देखिए, जब भी सबमर्सिबल आपको पानी का अंदर डालोगे तो इसी तरह का पहले फिटिंग करके उसको अंदर डालना है, उसके बाद आपको ऊपर का पाइप भी कनेक्शन करना है। अब मैं इसका अंदर पानी भरूंगा, भरने के बाद ये फुल होने के बाद ये जो चेकनट है इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दूंगा, और सम का पास लेने का टाइम है, मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अब ये मोटर फिटिंग हो चुका है। देखिए मैंने यूनियन यहाँ पे डाला हूँ, यहाँ पे एल्बो डाला हूँ, एल्बो नहीं डालना है, यहाँ पे बेंड डालना है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ऊपर नहीं है इसलिए मैंने एल्बो डाला हूँ। मोटर लाइन में कभी भी बेंड यूज करना है। और ये सबमर्सिबल मोटर इधर बैठ गया है नीचे, देखिए। तो इसी तरह का सबमर्सिबल का पंप का फिटिंग होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको जो भी पूछना है हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है।